अभी मैं अपने छत ऊपर वहाँ देख सकता हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं कितनी गंदगी बह रही है। देख सकते हैं दोस्तों अभी गर्मी का सीज़न और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हवा चल रही है, वहाँ पे देख सकते हैं ब्लरिंग आप देख रहे हैं वहाँ पे, तो वो बस डस्ट है गाइस। अभी मैं हटने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से अगर मैं नहीं हटूँगा तो ये सीधे मेरे ऊपर आके गिरेगी, तो जस्ट ये पेड़ पार करेगा मुझे हटना पड़ेगा। देख सकते हो वहाँ पे एक भट्ठा भी दिख रहा है जिसमें ईंटा बनाया जाता है, वहीं से ज़्यादा गंदगी भी होती है, तो देख सकते हो वहाँ पे कितना ज़्यादा डस्ट आ रही है। तो बहुत तेज़ गर्मी भी लग रही है मुझे क्योंकि गर्मी का सीज़न आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, गर्मी का सीज़न आ चुका है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बट हल्की हल्की हवा चल रही है, तो देख सकते हैं कितना डस्ट आ रहा है, बहुत खतरनाक। अभी तो अप्रैल वाला महीना आया भी नहीं और इतनी खतरनाक वाली गर्मी हो रही है। अभी अप्रैल के महीने आ जाएंगे तो क्या होगा यार, लगता है सबसे ज़्यादा दिल्ली में ज़्यादा गर्मी होती है, उसके बाद फिर और कई कई स्टेट्स में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गर्मी मतलब बताई जाती है, तो दिल्ली वालों बच के रहना। तो अभी तो देख सकते हैं दोस्तों एक चीज़ है, देख सकते हैं अभी, देखिए अभी पूरा साफ़ हो गया, देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाया कि यहाँ कितनी गंदगी थी और अभी देखिए पेड़ के पीछे साफ़ हो गया तुरंत। दोस्तों इसी तरह होते रहता है, देखिए अचानक हवा चलती है तो पूरा बहुत सारा, कभी कभी लू आप लोग सुनेंगे तो वही होती है कभी कभी, तो काफ़ी तेज़ गर्मी अभी आने वाली है, पता नहीं कैसे क्या होगा। बट पानी को सेविंग रखिए, मतलब वाटर सेव कीजिए, क्योंकि गर्मी में काफ़ी पानी प्यास भी लगने वाली है और काफ़ी नदियाँ सूखने भी वाली हैं और कुएँ भी, तो सेव वाटर, इसीलिए कहा जाता है सेव वाटर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, मैं यही दिखाना चाहता था, तो चलिए बाय।